ये देखो हर्ष, कार्तिक ने कैसा कर दिया यहाँ से वहां तक पूरा गिरा के। मूली के पराठे खा के छक्क हो गए हैं इतना खा दिया है कि भाई सब छक्क हो गए। हाँ दोबारा आटा गूंदना पड़ गया हमको। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा भंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर कार्तिकेय ब्लॉग में। तो मॉर्निंग का टाइम है और नाश्ता वगैरह हो करके अब दोबारा नाश्ता बनाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि दोबारा नाश्ता मुझे बनाना पड़ रहा है। और क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो है कार्तिकेय पापा ड्यूटी से आए तो उन्होंने बोला कि मतलब ड्यूटी में दोबारा जाना है, या पता नहीं घूमने जा रहे हैं, अभी मैंने अच्छे से कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी मेरे लिए 11-12 जो है मूली के पराठे आप बना के रख दीजिए। तो अब जो है मुझे फिर से तैयारी करनी है मूली के पराठे बनाने की। तो मूली मैंने कोर करके रख ली है, उसमें नमक भी डाल दिया है, तो अब बनाऊंगी मूली के पराठे। उसके बाद जाके दिन में अपना खाना बनाना है, दिन के लिए जो लंच बनाना है वो भी बना करके रेडी करना है। तो फिर मिलती हूँ अभी आपसे, क्योंकि बहुत सारा काम एक साथ है। तो दिखाती हूँ आपको पहले कि मैंने जो जो काम कर रखा है, उसके बाद फिर फटाफट मूली के पराठे बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। एक काम मेरा होया पड़ा है, जरा ये देखिए, एक काम हुआ पड़ा है कि ये आटा हमारा गूंदा हुआ है अभी, तो इसी के पराठे बनाऊंगी। और मूली मैंने क्रश कर ली है तो उसको भी दिखाऊंगी और बनाती हूँ फटाफट, क्योंकि देर हो रही है। तो फ्रेंड्स, मूली कोर के तो रख ली थी और ड्यूटी वालों को ड्यूटी जल्दी जाना पड़ गया तो चले गए हैं ड्यूटी को बिना मूली। पानी इतना निकल जाता है, निचोड़ते हालत ख़राब हो गई और ड्यूटी वालों का ड्यूटी का टाइम हो गया। तो देखते हैं, अगर बनाने होंगे तो थोड़ी देर में बनाएंगे, नहीं तो इसे शाम को बनाएंगे। और अब बनाते हैं हम आज फिर से दोबारा, हम बना रहे हैं साग। ये देखिए, इसकी मैंने प्रिपरेशन कर ली थी। साग मैंने कुकर में देखिए सीटी लगा करके इसको उबाल लिया था और इसको अब मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी। और इसके लिए लहसुन प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ और फिर बनाती हूँ साग। तो फ्रेंड्स, साग पीस करके रख लिया है और यहाँ लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट भी बना लिया है, प्याज कट करके रख लिया है, वहाँ सरसों का तेल भी डाल दिया है एक कढ़ाई में, और इसको फ्राई करते हैं। जब बन जाएगा फिर दिखाते हैं आपको। तो सब्जी ले लेते हैं थोड़ा, सब्जी वाले भैया आए हैं उनसे सब्जी खरीद लेते हैं। ये आए हैं भैया, और ठंडा इतना हो गया, कोहरा बिल्कुल छट ही नहीं रहा हमारे यहाँ। ये देखिए भैया सब्जी भी लाए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा लंच बन करके रेडी हो गया है। ये देखिए साग भी बन गया है, चावल भी बन गए हैं यहाँ, और रोटी वालों के लिए रोटी भी बना दी है। तो लंच करते हैं अब, और बच्चों का भी आने का टाइम हो गया है, और दिन के 1 बजे देखिए बाहर धूप भी आने लग गई है थोड़ी थोड़ी। नहीं तो मौसम हर समय बंद ही रह रहा था, और थोड़ी बहुत धूप आई है तो अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों के बाद धूप दिख रही है, तो अब थोड़ी देर धूप में बैठेंगे और धूप के आंग का आनंद लेते हुए धूप में बैठ गया मस्त तरीके से। और थोड़ा रॉकी के ज़्यादा ठंडे में मर गया था, ये देखो रॉकी को भी ठंडा लग गया था ना, है ना रॉकी। ये देखो कैसे बैठा है, आराम से सो रखा है, मजा आ रहा है इसको। तो धूप में गरम गरम साग और चावल का देखिए मजा लेते हुए, साग और भात हमारे पहाड़ी में बोला जाता है। तो ये आ रहे मजे, और ये है हमारा सलाद देखिए ये। तो फ्रेंड्स, एक टाइम के कपड़े हमारे धुल करके सूख गए हैं, सुबह मॉर्निंग में धूप नहीं आई थी, लेकिन अभी सारे कपड़े हमारे सूख गए हैं, क्योंकि थोड़े हवा में भी सूख जाते हैं। और दूसरी बार के बच्चों के कपड़े स्कूल के ये भी धो दिए हैं, ये धो करके अब इनको डाल रहे हैं, और क्योंकि अभी धूप आई है ना तो अभी सूख जाएंगे, और नहीं तो फिर कल को तो मॉर्निंग में फिर से कोहरा लग जाएगा, फिर से नहीं सूखेंगे, इसलिए अभी धो दिए सारे कपड़े। अभी हमारी स्ट्रॉबेरी का गाइस कलर देख सकते हो, गाइस रेड हो गया अभी गाइस, अभी और स्ट्रॉबेरी गाइस अभी उगेगी गाइस, देख सकते हो गाइस आप। देख पोटी दिख रही, देख पूरी पोटी दिख रही, छी कैसा बच्चा है ये, शर्म भी नहीं आ रही बेशर्म को। इवनिंग टाइम चल रहा है और मेरी और हर्षित की चल रही है कॉफी। देखिए मस्त कैसे बनी कॉफी, वेरी गुड है।
गर्म हो रही है, ऐसे हो रही है, सही हो रही है, बढ़िया। तो कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। ये रॉकी को देखो आराम से बैठा है, उसको भी उदासी लगी है, आमा नहीं है करके ना आजकल उदासी लगी बेचारे को, वो देखो। और कार्तिक का नीचे खेल चल रहा है, ये देखो पता नहीं कौन सा खेल कर रहा है, कौन सा खेल है ये है अरे क्या नाम है इसका, नाम पता है? बच्चे तो शाम के वक्त आज मेरा बन रहा है, देखिए क्या बनाया मैंने बच्चों के लिए ना, आज खीर बना दी है। तो मैंने कहा कि और दिन बेचारे दूध पी लेते थे, तो आज मैंने उनके लिए खीर बनाई है। और आज हम डिनर में बनाएंगे मूली के पराठे, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में मूली के पराठे के लिए वो कोल लिया था, तो अब जो है मूली के पराठे बनाएंगे आज। ये देखो हर्ष कार्तिक ने कैसा कर दिया यहाँ से वहाँ तक पूरा गिरा के, ये देखो ये काम है, मतलब पूरा ना फैला दिया। और लेने आया था दोबारा, क्या है पागल है क्या, उसे पैर रख रहा है, गिरेगा अभी चोट लग जाएगी। और पूरा पर्दा गंदा करके पूरा, ये देखो पूरा घर फैला के। बच्चों के साथ थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह बना करके, और अभी हो रहा है डिनर का टाइम, और डिनर बन रहा है। तो मीनू बना रही है अभी पराठे, मूली के पराठे बन रहे हैं, और कार्तिक के पापा अभी खाना खा रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। हर्षित को देखो क्या खा रहा है, सॉस खाली है, टमाटो सॉस खा रहा है हर्षित का, कुछ नहीं है। तो बन रहे हैं अब मूली के पराठे, और सभी लोग खा चुके हैं ऑलमोस्ट, और हम ही लोग बचे हैं, हम दो तीन लोग, तो अपने लिए बना रहे हैं अब। और मूली के पराठे खा के छक्को हो गए हैं। इतना खा दिया है कि भाई सब छक्को हो गए। हाँ दोबारा आटा गूंदना पड़ गया हमको। और घर में कितने लोग हैं गिन चुन के, बच्चों को लगा के 5 लोग हैं बस, और दोबारा तिबारा आटा वो भी फुल पूरा वो भगोना भर के फुल था आटा, वो भी ख़त्म। बताओ इतने पराठे खा जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स खीर भी खा रहे हैं, पराठे भी चल रहे हैं मूली के, अचार भी है आम का मस्त तरीके से, और यहाँ देखिए चटनी भी बनाई है, ये देखिए। तो डिनर देखिए कितना बढ़िया चल रहा है आज हमारा, कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया है सब चीज़ का, वाह। तो फ्रेंड्स डिनर करते हैं, और आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय।